अब आपको बताते हैं एक नया मामला। जी हां, अब सतना पहुंच चुका है कर्नाटक का हिजाब विवाद। यहां पर आपको बता दें कि शासकीय कॉलेज में हिजाब पहनकर पेपर देने के लिए एक युवती पहुंची। कॉलेज में यह युवती मास्टर ऑफ कॉमर्स की परीक्षा देने के लिए आई थी। सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो वायरल हो रहा है और छात्रा को हिजाब में देखकर यहां पर आए छात्रों ने जो है आपत्ति जताना शुरू कर दिया। तो कर्नाटक से शुरू हुआ ये हिजाब पर विवाद अब मध्य प्रदेश में आ पहुंचा है। ताजा मामला ये सतना जिले में सामने आया है, जहां एक कॉलेज में परीक्षा देने के लिए आई छात्रा हिजाब पहनकर पहुंच गई और वहां पर मौजूद कुछ छात्रों ने इस बात का विरोध किया, जिसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्रा से लिखित में अगली बार से परीक्षा देने पर कॉलेज की जो ड्रेस है, नॉर्मल जो ड्रेस है, उसे ही पहनकर आने के लिए लिखित में जो है लिखवाया। आप देखिए, लिखित में जो है पूरी उसकी ये जानकारी ली और उसके बाद कहीं जाकर ये पूरा मामला शांत हुआ। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ नरेंद्र पटेल जुड़ गए हैं, उनसे हम ज्यादा जानकारी लेते हैं। जी नरेंद्र, क्या कुछ बताएंगे आप? जी शायद मामला ये कल का है, जब हिजाब पहने एक छात्रा महाविद्यालय सतना पहुंची थी, जहां पर उसको वहां पर कॉलेज के बाहर ही रोक दिया गया। इसका नाम रुखसाना है, जो कि मास्टर ऑफ कॉमर्स की परीक्षा देने के लिए कॉलेज में गई हुई थी। महाविद्यालय के जो प्राचार्य है डॉक्टर शिवेश प्रताप सिंह, उनके द्वारा इसे रोक लिया गया और हिजाब खोलने की बात की और माफीनामा लिखवाते हुए फिर अंदर उसको प्रवेश दिया। तो ये जो विवाद है थमने का नाम नहीं ले रहा है, ना ही अभी तक प्रशासन ने महाविद्यालय प्राचार्य के ऊपर अभी तक हिजाब के खिलाफ जो माफीनामा लिखवाया है उस पर अभी तक कोई कार्यवाही की है। बस अभी ये मामला सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, वहीं बंसल न्यूज में हमारे द्वारा भी इसको दिखाया गया है। जी नरेंद्र, यहाँ पर जो बच्चे जो अपोज कर रहे थे, इस बात का विरोध जता रहे थे कि लड़की हिजाब पहनकर आई है, तो सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आई कि यहाँ पर भी वही जो स्थिति है निर्मित हो गई थी कि हम भी भगवा पहनकर आएंगे अगर ये लोग हिजाब पहनकर आएंगे, ऐसा भी कुछ हुआ था क्या? बिल्कुल, ऐसी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन 2 से 3 छात्रों ने आपत्ति पर्सनली जाकर कार्यालय में जताई थी, जिसके बाद प्रभारी प्राचार्य जो हैं वो कॉलेज के बाहर आकर इसको रोकने लगे और माफीनामा लिखवाया था। जी जी, आपका धन्यवाद नरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सतना की, जहां पर हिजाब का मामला पेश आया है। कर्नाटक से शुरू हुआ ये विवाद अब सतना भी जा पहुंचा है, लेकिन यहां पर गनीमत ये रही कि छात्रा मान गई और लिखित में लिया यहां के प्रिंसिपल ने कि अगली बार जो परीक्षा देने आए तो केवल कॉलेज की ड्रेस में ही आएगी।